आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ कंपेनियन सेल्स आर एबसेंट इन फ्लोएम ऑफ तो यहाँ बात हो रही है कंपेनियन सेल्स की कंपेनियन सेल्स जो होते हैं नॉर्मली फ्लोएम में प्रेजेंट होते हैं बट किस कंडीशन में वो एबसेंट हो जाएंगे यहाँ पे हमें सबसे पहले बात करनी करनी पड़ेगी फ्लोएम के बारे में तो अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन और फूड प्लांट की बॉडी में फूड का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होता है तो फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो स्ट्रक्चर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है वो है फ्लोयम फ्लोयम जो है इसका स्ट्रक्चर अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट में यानी कि एनजियोस्पॉम्स में बिकॉज फ्लोएम जो है वो वेल well डेवलप्ड होता है एनजियोस्पॉम्स के अंदर एनजियोस्पॉम्स कौन होते हैं वो प्लांट जिनका सीड जो है वो कवर होता है यानी कि सीड के बाहर एक कवर प्रेजेंट होता है जिसको हम फ्रूट कहते हैं अब फ्लोएम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बड़े सेल्स जो कि ट्यूब लाइक होंगे उन सेल्स को हम कहते हैं सीव ट्यूब ये कौन से सेल हैं सीव ट्यूग। सीव ट्यूब ट्यूब के ऊपर प्रेजेंट होती है सीव प्लेट। सीव प्लेट का मतलब होता है छन्नी इट मींस यहाँ पे बहुत सारे पोर्स देखने को मिल जाएंगे और ये जो बड़ा सेल नजर आ रहा है इसके साथ एसोसिएटेड इस सेल को हम कहते हैं कंपेनियन सेल तो ये है कंपेनियन सेल कंपेनियन सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस और ये न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा होता है यानी कि ये लार्ज न्यूक्लियस है और काफ़ी प्रोमिनेंट है सीव ट्यूब के अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चर्स जो इससे एसोसिएटेड होते हैं वो है पेरन कायमा जिसको हम कहते हैं फ्लोएम पैरन कायमा इसका फंक्शन होता है स्टोरेज और इसके अलावा कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ये स्ट्रक्चर पढ़ा हमने एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर यानी कि जहां जहां एंजियोस्पर्म्स होंगे वहां पर जो ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा यानी कि ये तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएंगे बिकॉज एंजियोस्पर्मिक प्लांट में फ्लोएम के पास कंपेनियन सेल प्रेजेंट होते हैं यहाँ एक ही ऑप्शन बचा है टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनका सीड जो है वो नेकेड होता है तो ऐसे प्लांट्स के पास जो फ्लोएम फ्लोएम तो होता है बट कंपेनियन सेल नहीं होता टेरिडोफाइट्स जो होते हैं फर्स्ट ट्रू प्लांट्स हैं जो कि लैंड के ऊपर आते हैं तो इनके पास भी कंपेनियन सेल नहीं होता ब्रायोफाइट्स के पास वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है क्लास 6 से 12 तक अगेन नीट आईआईटी जेईई मींस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट आप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर